बहुत लोग की एक्सपेक्टेशन है और वो वैसे मैं इस वीडियो में पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सबको जानना है आईफोन 16 क्या मुझे लेना चाहिए, शुड यू बाय आईफोन 16 इन 2024 और एल्स यू शुड वेट फॉर आईफोन 17। वो एक अलग चीज है, बट मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ और वैसे बताते हैं क्या सही में कौन सा क्या फोन लेने लायक है अभी करंट, और वैसे सेटिंग्स खराब है बजट की तो वो कैसे सेट करते हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में। यार यार कर दो, मतलब मजा आता है, इनटू 100 होता है सारी चीजें, मतलब बहुत लोग बोलते हैं तो हमारे यहाँ पर भी करो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सो यार अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो आईफोन 16 का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है एप्पल इवेंट में। एप्पल एक्सप्लेन करेगा कैसे फोन अच्छा है, कैसे ये फोन पिछले साल से अच्छा है, और प्रो सीरीज में क्या फीचर्स हैं, और भर भर के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताएंगे, और प्लस क्लिप बताएंगे जो बहुत अच्छा खासा प्रमोशन करने वाला है आईफोन 16 प्रो एंड 16 सीरीज का। सो यार ये फोन क्या लेने लायक है, अब बात करते हैं। सो मेरे हिसाब से हाँ और ना भी, मतलब 50% श्योर और 50% नो श्योर। देखो सबसे पहले आपने एक फोन लिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईफोन 15 एंड 15 प्लस मैंने लिया है, उसमें से कोई भी एक फोन पकड़ लो, तो आपको क्या लगता है मैं अभी 16 एंड 16 प्लस में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, स्किप करूंगा उस चीज को, क्योंकि मेरे पास फोन अच्छा है अभी फिलहाल। सॉफ्टवेयर वाइज हार्डवेयर वाइज कोई सपोर्ट में प्रॉब्लम है नहीं वैसे, और उसके बाद अभी देखना है हमको क्या ये फोन ओवरऑल स्पेक शीट वाइज में 16 से 15 में बीट होता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे फोन को अच्छा बताना है तो मैं कुछ भी करके बता सकता हूँ बिजनेस के हिसाब से, बट मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ। देखो प्रैक्टिकलिटी में हम सब नॉर्मल यूजर देखे, गेमिंग के परफॉर्मेंस में, बैटरी वाइज में तो इतना डिफरेंस है नहीं, बट लेटेस्ट ग्रेटेस्ट वेसल्स किस में है तो वो है आईफोन 16 में। बट बात करें 13 पे तो यहाँ पर हमें मेजर गैप देखने मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पर ब्राइट डिस्प्ले देखने मिलती है, उसके साथ में हमें यहाँ पर थिनर बेजल्स देखने मिलते हैं, डायनेमिक आइलेट है, बैटरी अच्छी है, ओवरऑल एक ट्रेंडिंग वाइब वाला फोन है। 14 से मुझे लगता है 16 में जाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। उसके बाद जो आईफोन 13 है उससे पहले के फोन है, मुझे पता है आप सबके पास एक अच्छा फोन का रीजन आ चुका है अपग्रेड करने का, तो आंख बंद करके अपग्रेड कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप सबको 15 लेना है मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बिलियंस के टाइम पे। मेरा मतलब ये है कि ये जो फोन है वो सितंबर मंथ में आएगा, मतलब ये फोन रिलीज हो गया होगा उसके बाद बिग बिलियंस आएगी, जहां पर पिछले साल के फोन्स पे एवरी सिंगल चीजों पे कैशबैक अलग अलग तरीके से देखने मिलेंगे, कूपन देखने मिलेंगे एंड नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन देखने मिलेंगे अपने अपने हिसाब से, और बोनस मिलेगा प्लस एक्सचेंज ऑफर भी देखने मिलेगा वहां पर। वो तो बेस्ट चीज है अपने हिसाब से तब के टाइम पे, वो टाइम पे मुझे पता है तब एक खिचड़ी बनने वाली है जो मैं पहले भी क्लियर करता हूँ, उस टाइम पे भी क्लियर करने वाला हूँ। सो सवाल जवाब तो चलते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको डील अच्छी देखने मिलेगी आईफोन 15 एंड 15 प्लस में, 15 प्रो 15 प्रो मैक्स में। इसके कारण क्यों है कि वो फोन के प्राइस अच्छे आ रहे हैं, वो है फेस्टिवल का रीजन, कैशबैक, और वैसे वो पुराना फोन हो चुका है सो एप्पल को उस टाइम पे स्टॉक क्लियरेंस करना है और वैसे हाइप बनानी है, और साथ में साथ फ्लिपकार्ट अमेजोन को एक और हाइप क्रिएट करनी है बैंक के साथ में, और वैसे उस टाइम पे फ्लिपकार्ट अमेजोन भी ट्राई करेंगे सेल ज्यादा हो, उससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं, सब जो कंज्यूमर है उनको सबको फायदा देखने मिलेगा। बट एक चीज का पॉइंट आपको समझ के चलना है, आपको बस एक चीज करना है जो है रिकॉर्डिंग करना, और एक सॉलिड उसमें प्रूफ होना चाहिए ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे। सो स्कैम समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम है, तो वो ईट साबुन का खच्चा। सो 15 सीरीज की पूरी प्राइस ड्रॉप हमें देखने मिलेगी करंट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के टाइम पे फ्रेश पीस में और एज वेल एज सेकेंड हैंड मार्केट में, तो वो एक बेटर चीज हो जाती है। आपको कौन सा पिक करना है वो आप देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से। और जाते जाते और बता दूं, वैसे अगर आपको और पुराने फोन्स में जाना है तो आप जा सकते हो 14 में भी 13 में भी, मेन चीज तो बजट है वैसे, बट डील अच्छे से क्रैक करना और चीज को ऑन कैमरा रखना और आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखना। फाइनली टाइम हो गया है रैपअप करने का, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर अपडेट्स, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें देखने मिलेगी, और वैसे कुछ डाउट है तो मुझे बताना मत भूलना नीचे कमेंट सेक्शन बिलो में। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो, पीस आउट, पीस।